हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमने हमारी उम्मीद से अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमने जितनी संख्या का अनुमान नहीं था, हमारे जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो सब छोटी पड़ गई। हमारे जोधपुर के रावण के चबूतरा में देवासी समाज द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसी जगह पर देवासी समाज के महाकुंभ का आयोजन हुआ था। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनको आप भली भांति से जानते होंगे, देवासी समाज के लोग जानते होंगे। इन्होंने घर घर घूमकर तमाम लोगों को, तमाम समाज के व्यक्तियों को न्योता दिया था कि 27 अगस्त 2023 को जोधपुर के रावण के चबूतरा में देवासी समाज हम बड़ा एक अहम कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना है। आज वो दिन, आज वो कार्यक्रम आयोजित हो गया। और अब कार्यक्रम आयोजित होने के बाद अभी मेरे साथ जगदीश भाई है। जगदीश जी, किस तरह से आपने पहले तैयारियां की थी और तैयारियां करने के बाद आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा? सबसे पहले तो मैं आज के इस सफल आयोजन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि हमने हमारी उम्मीद से अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमने जितनी संख्या का अनुमान नहीं था, हमारे जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो सब छोटी पड़ गई। हमारे पंडाल छोटे पड़ गए, हमारे टेंट छोटे पड़ गए, कुर्सियां कम पड़ गई और लोग इस स्टेडियम के अंदर भी हम टेंट लगाते तो भी वो खचाखच भर जाता। लोग सड़कों पर खड़े उस तरफ पूरे शहर के अंदर जहां देख रहे थे लाल पागड़ी देवासी समाज ही समाज दिखाई दे रहा था। तो मुझे बहुत ही खुशी की बात यह है, मेरे लिए संतोषप्रद बात यह है कि ये कार्यक्रम इतनी संख्या, लाखों की संख्या में होते हुए मुझे तो सुबह ये जब पूरा भर गया डर था कि कहीं कोई घटना न हो जाए, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि संख्या हमारी जो हमने जो व्यवस्थाएं की थी उससे कहीं गुना ज्यादा आ गई थी। इसलिए भगवान महादेव का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कि कोई किसी प्रकार का, कोई बिना हो हल्ला, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी नुकसान के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। सब लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के उद्बोधन हुए, सब ने समाज हित की बात करी। हमारे जो गुरु थे, हमारे जो संत महात्मा थे, उन्होंने समाज के अंदर एक समाज में अलग अलग तरीके से समाज में जागृति हो, समाज में युवाओं के लिए कैसे आगे बढ़े, समाज में व्यापारी कैसे आगे बढ़े, समाज में हमारे प्रवासी हो, माताएं बहनें हो, सबको अलग अलग उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन महात्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज पशुपालक समाज होने के नाते आज जो आप लोग देख रहे थे महिलाओं की संख्या जो है वो हमको उम्मीद नहीं थी कि हमने सोचा 2-4 हजार लोग महिलाएं आएगी, लेकिन आप देख रहे थे महिलाओं के अंदर भी इतना बड़ा उत्साह और उमंग थी कि हमने जो व्यवस्थाएं की थी, ये पूरा जो टेंट लगा हुआ है ये तो सिर्फ महिलाओं से भर गया, इतनी भारी संख्या के अंदर महिलाएं आई, ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव और खुशी का विषय है कि महिलाओं के अंदर भी समाज के प्रति इतनी वो जो है उत्साह था, उमंग थी कि हमारे समाज का कार्यक्रम है और हमको जाना है। सर जगदीश जी, आप ये, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कितने दिनों से आप इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, कार्यक्रम को रूप देने के लिए तैयारियां कर रहे थे और आज वो कार्यक्रम हुआ? पिछले एक महीने से हम विभिन्न जिलों के अंदर गए, तहसील स्तर पर हमने मीटिंगें की, लोगों को ये इस कार्यक्रम के बारे में बताया, इसकी रूपरेखा के बारे में बताया और जहां भी मैं गया मुझे वहां पर लोगों का उत्साह और उमंग इतनी तगड़ी थी कि मेरा 34 साल का मेरा उम्र है मेरी और 10 साल मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, तो 10 साल के मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कई पार्टियों के कार्यक्रम देखे और कई बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रमों के अंदर मुझे बोलने का मौका भी मिला, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम मैंने मेरी लाइफ के अंदर पहली बार देखा। और मैंने कई बुजुर्गों से भी बात की कि आपने कभी समाज के अंदर इतना उत्साह देखा, तो वो भी कह रहे थे कि हम 80 साल के 90 साल के हो गए लेकिन इतना उत्साह, सब सभी जगह कोई नेगेटिव बात नहीं इस कार्यक्रम को लेकर के, सब लोगों के उत्साह था वो मैं पहली बार देख रहा हूं। और हमने पिछले एक महीने की जो मेहनत की उसका परिणाम आ जाया और बहुत अच्छे तरीके से लोगों के अंदर उत्साह था और हमारी उम्मीद से अच्छा कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले आपके दिमाग में विचार कब आया कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, समाज के लिए बड़े प्रोग्राम का आयोजन करूं कि ताकि समाज के तमाम लोग एकत्रित हो सके, समाज के हितों में बात कर सके? ये आज से 1.5-2 महीने पहले हम लोग 5-10 जने बैठे थे, हमने बैठे बैठे बात चलाई कि सभी समाजों के बड़े महाकुंभ हो रहे हैं, क्यों ना हमारे समाज का भी एक महाकुंभ किया जाए। तो उस दिन हमने 10 जने बैठे थे और बैठ करके हमने कहा अगले रविवार को मीटिंग बुलाते हैं। उस अगले रविवार को हम मीटिंग बुलाई, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज डाला कि भाई हमारे समाज का भी इस प्रकार का एक आयोजन करवाना चाहते हैं। उसमें सभी लोग, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि आप आए और अपने विचार रखें,
कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे उसकी व्यवस्था करनी है। तो उस दिन 201 लोग इकट्ठा हुए और 200 लोगों ने उस दिन हमने तारीख तय कर दी कि 27 अगस्त को कार्यक्रम करवाना है। और उसी दिन 8-10 भामाशाह ऐसे थे जिन्होंने 7-8 लाख रुपए की घोषणा भी उस दिन कर दी। उसके बाद में हमने सेकंड जो मीटिंग की वो जालौर में की, उसमें हमारे समाज के जितने भी बड़े लीडर्स थे, चाहे ओटाराम जी देवासी हो, रतन जी हो, खेमराज जी देसाई हो, हमारे सांवला राम जी हो, भूपेंद्र जी हो, सिरोही से हमारे जो लोग थे, वो सब लोगों को हमने बुलाया, वहाँ मीटिंग की, समाज के सब वरिष्ठ लोगों को बुलाया और बैठ करके ये जो हमारा विचार था उनके सामने प्रस्तुत किया कि ये हमने ऐसा ऐसा एक प्लान बनाया है और आप सब लोग इसमें सहयोग करोगे। तो वो सब लोगों ने भी कहा आपका जो विचार है बहुत अच्छा है और इसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। वो लोग भी उस दिन से लग गए और फिर तो पूरा राजस्थान ही समझो आप सब लोग लग गए, पूरे गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी लग गया कि इस महाकुंभ को सफल बनाना है। जब आपके दिमाग में विचार आया था कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम करूं, उस समय भी आपके दिमाग में तो उद्देश्य थे ही कि किस लिए हमें कार्यक्रम करवाना है, लेकिन इतने दिन तक आपने उद्देश्य ओपन नहीं किए थे आम जनता के सामने। अब आज वो उद्देश्य मंच के जरिए खुलकर आए, वाकई में आपको पहले पता था और आज मंच के जरिए वो उद्देश्य आम जनता के बीच गए तो काफी अच्छा मैसेज है। मुझे तो उद्देश्य और मुझे तो कार्यक्रम करने का सब वो थे, वो हमको पहले से ही दिमाग में थे, लेकिन इस कार्यक्रम से आज 27 तारीख को कार्यक्रम है, 26 तारीख को सुबह तक कोई मानने को तैयार नहीं था कि देवासी समाज भी कभी लाखों की संख्या में इकट्ठा हो सकता है। और ये शंकाएं थी मन में लोगों के कि देवासी समाज की संख्या इतनी हो नहीं सकती इतनी संख्या, और आज जब ये संख्या आई है तब पता चला कि देवासी समाज जब यहाँ 3-4 लाख लोग अगर यहाँ कार्यक्रम में आ सकते हैं तो आप मानो कि हमारी संख्या कितनी हो सकती है। आज राजनीतिक भागीदारी की बात करें, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मांगने का अधिकार है। हमारी संख्या के अनुपात में जो मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे भाषण में भी मैंने कहा कि 27 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम निर्णायक भूमिका के अंदर हैं, तो हमको हमारी जो हमारा हक है, अधिकार है, उसमें हमारी भागीदारी हमको मिलनी चाहिए, ये हमारी मुख्य रूप से मांग थी। सैकड़ों लोगों को आम जनता ने सुना, आपने उनकी भी पहले लिस्टिंग की होंगी, तमाम आपके जो समाज के एक्टिव लोग थे उनको भी आपने चुन लिया था, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए आपकी टीम ने अच्छा वर्क किया, उस टीम के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, इस टीम तो मैं बहुत उनका क्या कैसे धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो जो टीम के लोग थे जो लगे हुए थे, बाबूलाल जी, भाटेलाई गुमान जी, हमारे सतपाल जी, खानूराम जी और तमाम जो यहाँ युवा खड़े हैं, इन लोगों ने रात को 2-2 बजे तक, हम आपको ये बता रहे, खुशी हो रही है कि 2 बजे जब हम गांव के अंदर जाते थे, 2 बजे 100-100 महिलाएं हम बैठी रहती थी और डीजे जाता था गांव के अंदर के महाकुंभ में आना है, मीटिंग करवानी है, लोगों के चला करके फोन आते थे कि आपको हम 12 बजे रात के, लेकिन हम उस गाँव के अंदर बैठे हैं, आपको आना आ रहा है। मैंने कहा 12 बज गए अब तो सोने दो, कि नहीं हमारे गाँव में हम आते हैं बैठे हैं, आप तो 10 मिनट ही आओ, लेकिन आओ। इसलिए मैंने टीम के जो सदस्य थे, चाहे सुभाष जी नारसर खड़े हैं, राम प्रकाश जी और तमाम जो लोग थे, इतनी उन्होंने मेहनत की, मैं उनका कैसे धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। देश भर के अलग अलग जाति धर्म महजिद के लोगों ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की कि देवासी समाज का महाकुंभ सफल और आयोजित हो। बिल्कुल, 37 कौम ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया है और 37 कौम के शुभकामनाएं प्रेषित, उन्होंने शुभकामनाएं लेटर मुझे भेजे है सभी समाजों के लोगों ने, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे, चाहे विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपील जारी की कि इस समाज के कार्यक्रम में आप सब लोग जाइए। तो उन सब लोगों का भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा इस कार्यक्रम के अंदर सहयोग किया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। समाज का एक युवा इतना बड़ा कार्यक्रम करवा सकता है तो आपके लिए भी गर्व की बात है। आपके खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं कि समाज के लोग आपको आशीर्वाद देने आपके एक छोटे से आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे? मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, व्यक्ति कोई भी एक व्यक्ति इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकता है, ये तो कोई भगवान महादेव की मेहरबानी थी और समाज के तमाम लोगों का विचार था कि ऐसा आपका विचार अच्छा हो, आपका उद्देश्य पवित्र हो तो समाज आपके साथ खड़ा हो जाता है, और आपके उद्देश्य के अंदर अगर पवित्रता नहीं है तो आप कैसा भी काम लेके जाओ समाज कभी आपके साथ खड़ा नहीं रहता। ये जगदीश जी देवासी है जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम अपने दिमाग में विचार लाया और उसके बाद समाज के युवाओं को एकत्रित किया और उसके बाद की पूरी वार्तालाप किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ आपने बताया है, लेकिन तमाम लोग एक बार इन जगदीश जी देवासी का हौसला अफजाई करने के लिए
शेयर जरूर करें ताकि जगदीप जी का भी हौसला अफजाई हो और तमाम समाज के युवा भी ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करें। मैं भी मेरी तरफ से जगदीप जी देवासी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। ओम प्रकाश चौधरी, इंडिया न्यूज, सांचौर।